गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया, गुड। चलो आज हम लोग लास्ट लेक्चर करेंगे लाइंस एंड एंगल्स का, ठीक है? लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक्स। सो उससे पहले हमने कुछ इसके आगे के एग्जांपल में हमने कुछ कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होता है वो पढ़ा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, फिर इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, फिर ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल एंड कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये कुछ थियरम पढ़े थे। उसके बेसिस पे कल हमने एक एग्जांपल किया था एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट, आज हम आगे से ही एग्जांपल फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? देखो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? देखो इस टाइप की कुछ फिगर दी है हमको, हमको क्या फाइंड करना है? नाउ व्हाट इज गिवन, एक्स वाई एंड जेड, वाई इज टू जेड इज गिवन, कितना है वाई इज टू जेड है दिया हुआ है 3:7, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके? हमको क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ एक्स। फिगर पे देखो, देखो ये एंगल वाई है, ओके? तो ये एंगल भी वाई हुआ, कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो कैसे होगा? ये एंगल वाई, तो ये एंगल वाई हो गया। नाउ अब ये एंगल वाई एंड एंगल जेड, ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और ये इंटीरियर एंगल्स है। ये छोटा है लिखा हुआ, एंगल थोड़ा बड़े लिख देते हैं। ये एंगल वाई और ये एंगल जेड है, दोनों ट्रांस, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, और कौन सी ट्रांसवर्सल किसको है? सी बी को और ई एफ को, सी डी एंड ई एफ आर ट्रांसवर्सल लाइन्स। सो ये लाइन ट्रांसवर्सल हुई, ट्रांसवर्सल के जो एंगल है वाई और एंगल जेड है, ये जो है वो इंटीरियर एंगल्स है और सेम साइड है, राइट हैंड साइड में है, लेकिन सेम साइड में। सो थ्योरम क्या कहता है, द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर फ्रॉम फिगर एंगल एक्स एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके? एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके? नाउ ना वाई और जेड का रेशियो हमको दिया हुआ है, कितना है? 3:7। सो एंगल वाई को क्या लिखेंगे हम लोग? 3x प्लस एंगल जेड को क्या लिखेंगे? 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके? सिर्फ 3x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो 3x और 7x कितना होता है? 10x, तो 10x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट? x कितना होगा? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 30 इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, गॉट इट? हमको यहां पे y फाइंड करना है, तो y कितना आएगा? y है यहां पे 3 रेशियो के 3x, तो 3x हो गया y इज इक्वल्स टू 3 इनटू 18 डिग्री, 18 थ्री जार 54, तो y की वैल्यू 54 डिग्री मिल गई। अब देखो यहां पे फिर से, अब ये एंगल वाई और एंगल जेड है वो भी सेम, अब देखो जब ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी विच इज गिवन, सो एंगल एक्स एंड एंगल वाई दोनों ट्रांस, वो क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स हो गए, एंगल एक्स एंड एंगल वाई दोनों इंटीरियर एंगल्स हो, वो भी सेम साइड, सेम साइड ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सो देयरफॉर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना मिला हमको? 54 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल एक्स कितना होगा? 180 माइनस 54 डिग्री कितना होगा? सॉल्यूशन करेंगे तो 180 माइनस 54 करेंगे हम लोग 180 माइनस 54 करेंगे तो 126, तो एंगल एक्स हमको कितना मिलेगा? 126, यानी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको? 126, ठीक है? लिख डालो, लेक्चर ले
हो गया गुड। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है चलो एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 3? इन क्वेश्चन 3 ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके हमको दिया हुआ है एक फिगर है, ये लाइन ए बी है और ये लाइन है सी डी। दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड व्हाट इज गिवन ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। यहां से एक हमने ड्रॉ कर दिया ई एफ, EF is perpendicular to CD. Great. What is also given? यहाँ point है या F से point draw किया है G. A okay. What is given? If angle GED, angle GED is equals to 126 degree. यानी कौन सा angle होगा ये? Angle GED. Okay. एंगल जी सॉरी यहां पे ई है, ये एफ ये एंगल दिया हुआ है कितना है, ये पूरा एंगल है 126 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना है, कौन से एंगल फाइंड करना है? फर्स्ट एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई, ए जी ई सो ए जी ई मतलब ये एंगल फाइंड करना है। चलो फर्स्ट दिस इज गिवन ओके, नाउ सीईडी इज लाइन एंगल जे सीडीई लाइन हुई, देयरफॉर एंगल ए जी ये एंगल कौन सा फाइंड करना है हमको, ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। ओके कौन से दो एंगल फाइंड करना है हमको, पहले हमको फाइंड करना है जी ए जी ई फिर जी ई। चलो हम लोग पहले एंगल फाइंड करते हैं जी ई एफ, फॉर एंगल जी ई एफ यानी जी ई और एफ यानी ये वाला एंगल। देखो ये टोटल है 126 डिग्री है, उसमें से ये एंगल 90 डिग्री, तो ये बचेगा कितना 126 माइनस 90। फॉर एंगल एंगल कौन सा है GED मतलब ये पूरा एंगल इज इक्वल्स टू एंगल GEF प्लस FED, एंगल GEF प्लस एंगल FED। ठीक है अब GED कितना है 126 और एंगल GEF तो हमको फाइंड करना है, प्लस FED, FED कितना है 90 डिग्री, सो इसमें से एंगल GEF कितना होगा, ये 90 को इस साइड लेके आओ, 126 माइनस 90 कितना होता है 36। फर्स्ट एंगल मिल गया हमको, देयरफॉर एंगल GEF इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। ग्रेट चलो अब नेक्स्ट एंगल क्या फाइंड करना है, FGE, F ये वाला एंगल। ओके फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल। ठीक है कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हाँ ये एंगल मिल जाएगा। देखो पहले हम लोग ये वाला एंगल फाइंड करते हैं, ये कौन सा है CED। नाउ देखो ये CED लाइन है, CED फॉर्म्स अ लाइन, सो एंगल CEG प्लस GED means this angle plus this angle will be 180 degree, right? So angle कौन सा angle लेंगे, CEG, CEG plus GED, angle GED is equals to 180 degree. कैसे पता चला, देखो CEG यानी ये angle और GED यानी ये angle, तो दोनों का angle 180 degree। अब GED आपको दिया हुआ है कितना है 126, एंगल CEG प्लस 126 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके तो कैसे अब करेंगे फाइंड,
therefore angle CEG यानी 126 को हम लोग LHS से RHS में लिखेंगे. साइन चेंज 126 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 180 माइनस 126 सो 180 माइनस 126 करेंगे 180 माइनस 126 तो वी विल गेट 54. तो 54 डिग्री मिल गया हमको. तो ये एंगल हमको मिल गया कौन सा S AB पैरेलल टू CD. देखो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल. कौन सा देखो मैंने डॉट ये दोनों एंगल सेम होंगे अल्टरनेट एंगल्स ये है और ये सी जो जी जीएफ है वो है ट्रांसवर्सल एंगल लाइन हो गई ना. क्या लाइन होगी वो सॉरी ट्रांसवर्सल होगी. देयरफॉर एंगल कौन सा एंगल आएगा एफ जी ई इज इक्वल्स टू एंगल सीईजी अल्टरनेट एंगल्स. देयरफॉर एंगल एफ जी ई कितना मिलेगा हमको 54 डिग्री. सेकेंड एंगल मिल गया हमको. यहाँ पे हमको फर्स्ट एंगल कहाँ दिया फर्स्ट एंगल ये रहा. ये हमको फर्स्ट एंगल मिला और ये हमको सेकेंड एंगल मिलेगा. ठीक है चलो इतना लिख डालो फिर हम लोग लास्ट एंगल फाइंड करेंगे वो है एंगल ये. सी यू कैन फाइंड आउट देखो ये टोटल लाइन ये AG है वो लाइन बन रही है इसमें से ये 54 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 54 दैट इज 126. ठीक है चलो कंट्रोल फिर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे कैसे सॉल्व करना है. हो गया चलो लास्ट हमारा एंगल है देखो मैं रफ कर रहा हूं यहां से कैसे देखो नेक्स्ट एंगल कैसे फाइंड करना है. नाउ एस अब देखो ये लाइन बन रही है ए जी बी फॉर्म्स अ लाइन ए जी बी फॉर्म्स अ लाइन. लाइन का एंगल टोटल 180 डिग्री होता है तो कौन सा एंगल लेंगे ये वाला हमको ये चाहिए ना कौन सा चाहिए तो कौन सा एंगल फाइंड करना है. दो एंगल तो मिल गई है ए ई एफ जी ई मिल गया जी ए जी ई फाइंड करना है हमको ए जी ई मतलब ये वाला एंगल. अब देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल मे बी 180 डिग्री है ना. देखो ये दिस एंगल कौन सा एंगल है ये ए जी ई और ये जी ई एफ का एंगल कितना टोटल कितना होगा 180 डिग्री. तो एंगल ए जी ई प्लस कौन सा एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. Therefore, हमको क्या फाइंड करना है एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई कितना है 54 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. Therefore, एंगल ए जी ई कितना होगा 180 माइनस 54. Therefore, एंगल ए जी ई मिलेगा हमको कितना 126 डिग्री. हो गया फाइनल आंसर मिल गया हमको. ठीक है तो लिख डालो फाइनल आंसर को और इसके बाद हमारा लास्ट एग्जांपल है ये इसके बाद नहीं होगा क्योंकि लेक्चर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा. चलो अब लास्ट लेक्चर लास्ट है हमारा अभी करूं नेक्स्ट हम लोग लास्ट है एग्जांपल नंबर फोर्थ. क्या है एग्जांपल नंबर फोर्थ देखो पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी हमको ऐसे फिगर दिया हुआ है. ये है लाइन पी क्यू और ये है लाइन एस टी. ठीक है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी देन पी क्यू एस टी और यहाँ पॉइंट है आर. ओके हमको दिया हुआ एंगल पी क्यू आर 110
110 और ये एंगल है 130 डिग्री। एंगल 100 हमको कौन सा एंगल फाइंड करना है? क्यू आर एस। हमको कौन सा एंगल फाइंड करना है? क्यू आर एस। ओके चलो फिगर देखते हैं। पहले पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ओके डेटा इज गिवन। दूसरा क्या दिया हुआ है? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। फिर एंगल आर एस टी इज ऑल्सो 130 डिग्री। ओके सो अब क्या करेंगे? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस। तो दो पी क्यू और आर एस के दो एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पी क्यू और आर एस को पैरेलल है। ठीक है ग्रेट। अब ये और ये दो एंगल हमको मिल गए। बीस वाला एंगल हमको ऑलरेडी मिल जाएगा। कैसे? एक बार फिर से क्वेश्चन देखता हूं मैं। ओके चलो इस लाइन को हम लोग दे देते हैं नेम ए बी लाइन। ड्रॉ अ लाइन ए बी। ओके अब देखो ये पी क्यू पैरेलल टू हियर। पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। सो ये कौन सा? ये एंगल और ये एंगल। देखो ये दो टिक्के वाले जो एंगल ड्रॉ कर रहा हूं ना वो क्या होंगे? इंटीजियर एंगल्स होंगे ऑन द सेम साइड बिकॉज क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। पी क्यू और ए बी को पैरेलल तो क्यू आर लाइन होगी वो हमेशा ट्रांसवर्सल होती है। सो क्या होगा? तो ये क्यू एंगल देखो टिक्के वाले जो एंगल ड्रॉ किए मैंने एक तो ये वाला एंगल और एक तो ये वाला एंगल था पी क्यू आर एंड क्यू आर ए। ये दोनों एंगल कैसे हो गए? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज कैसा होगा? सप्लीमेंट्री। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हमको पी क्यू आर की वैल्यू दी हुई है पी क्यू आर कितना है हमारा 110 प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्यू आर ए कितना मिलेगा हमको? 180 माइनस 110 कितना होता है? 70। और ये पहला एंगल हमको मिल गया 70 डिग्री। ग्रेट नेक्स्ट एंगल फाइंड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट एंगल क्या हम फाइंड करना है हमको? देखो कौन सा एंगल? अब देखो सिंस एस अगेन एस टी इज पैरेलल टू ए बी लाइन। देखो इसमें हिंट में दिया हुआ है हम लोग यहाँ कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ए बी इसके लिए ड्रॉ किया फॉर कन्वीनियंट। ओके अब ये भी एंगल देखो ये दो राइट वाले भी एंगल दोनों इंटीजर एंगल्स है बिकॉज एस आर इज द ट्रांसवर्सल बिटवीन लाइन जो लाइन पी है एस टी इज पैरेलल टू ए बी एंड एस आर इज द ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल पी एस आर प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब ये दो एंगल इंटीजर एंगल्स हो गए और इंटीजर एंगल्स का टोटल कितना होता है 180। पी एस आर की वैल्यू कितनी है? पी एस आर आर एस टी 130 प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल एस आर बी कितना होगा? 180 माइनस 130 कितना होता है? 50। ग्रेट एंड ये 50 मिल गया। अब देखो ये जो ए आर बी है वो स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों का ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल का टोटल 180 डिग्री होगा। हमारे पास दो एंगल मिल गए हैं तीसरा एंगल हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके कैसे? देखो नाउ ए बी इज ए लाइन देयरफॉर कौन सा एंगल? क्यू आर ए एंगल क्यू आर ए प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है चलो आगे से सॉल्व करो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर 60 डिग्री आएगा। ये जो बीच वाला एंगल है ना ये
खुद से ट्राई करो, तुमको मिल जाएगा 60 डिग्री का आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? चलो सॉल्व करो। सो आगे स्टूडेंट्स हो गया, चलो आज इतना ही। चलो और कराऊंगा तो फिर डेढ़ दो घंटे का लेक्चर हो जाएगा, फिर तुम सबका माइंड रिसेट हो जाएगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फाइनल 6.7 टॉपिक होगा, जिसमें दो थियरम और तीन एक्सरसाइज जो 6.3 है उसके तीन एग्जाम्पल्स है, ठीक है? दो थियरम और एक्सरसाइज 6.3 के तीन एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? सो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।